हेलो दोस्तों, मैं हूं योगेश और क्रिक्सो पे आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच तीसरा टेस्ट मैच इंदौर में खेला जा रहा है और इस मुकाबले में भारत की शुरुआत कुछ खास नहीं रही। खेल के पहले ही दिन ऑस्ट्रेलिया ने उसकी पारी को सिर्फ 109 रनों पर समेट दिया। ऐसे में दोस्तों सवाल यह उठता है कि अगर भारत यह मैच हारता है तो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में कैसे पहुंचेगा। तो आइए दोस्तों समझते हैं इस पूरे समीकरण के बारे में। सबसे पहले अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना, आपको आगे भी क्रिकेट से रिलेटेड ऐसी ही वीडियोस मिलती रहेगी। दोस्तों, इंदौर टेस्ट मैच भारत के लिहाज से काफी अहम है। यदि भारतीय टीम इस मुकाबले में जीत हासिल कर लेती है तो वह फाइनल में पहुंच जाएगी। लेकिन दोस्तों, अगर यह मैच भारत हारती है तो उसे अगला टेस्ट मैच हर हाल में जीतना होगा। अगर दोस्तों यह टेस्ट सीरीज 2-1 या 2-2 से ड्रॉ रहती है तो भारत को न्यूजीलैंड श्रीलंका सीरीज के नतीजे पर निर्भर रहना होगा। ऐसी स्थिति में भारत को प्रार्थना करनी होगी कि श्रीलंका कम से कम न्यूजीलैंड के खिलाफ 2 में से 1 मुकाबला हार जाए। वैसे दोस्तों, न्यूजीलैंड जैसी तगड़ी टीम के खिलाफ जीतना श्रीलंका के लिए काफी मुश्किल होगा, वो भी न्यूजीलैंड के घर पे। तो आई होप सो दोस्तों कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।